मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। जी हाँ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इस बीच उनका ये संदेश बहुत बड़ा है। जल्द ठीक होने के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। रात में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी सेहत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। रात में उन्हें हल्का बुखार था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 95 दर्ज किया गया था। अभिषेक बच्चन, उनके बेटे, उनको भी कोरोना पॉजिटिव है। दोनों को नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, ट्वीट करके इसकी बकायदा जानकारी दी कि पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में जो कोई भी आया है कृपया अपना टेस्ट करवाएं। और नानावती ने अस्पताल की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अमिताभ बच्चन पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हेल्थ बुलेटिन का इंतजार भी है कि उनकी हालत अभी फिलहाल स्थिर है। एसिम्प्टोमेटिक दोनों ही बताए जा रहे हैं और दूसरा टेस्ट भी उनका हुआ है, हल्के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट अभी आज आएगी। आइसोलेशन यूनिट में एडमिट किया गया है अमिताभ बच्चन को। उनके बेटे में भी हल्के सिम्टम्स पाए गए हैं। ट्विटर के जरिए उन्होंने अपनी सेहत की पूरी जानकारी दी थी। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों ने ही अपने सेहत के बारे में जानकारी दी थी। दोनों को नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिवार के दूसरे सदस्य जिसमें जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन, तीनों का टेस्ट भी हुआ, लेकिन सभी को का टेस्ट नेगेटिव आया है। सिर्फ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद दोनों को नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। विद्या हमारे साथ इस वक्त नानावती अस्पताल के बाहर से जुड़ चुकी है। विद्या, आपसे हम जानना चाहेंगे, हालांकि इंतजार अभी प्रॉपर हेल्थ बुलेटिन का है, लेकिन क्या खबरें अंदर से आ रही हैं अभी? जी देखिए, अभी तो फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है कल रात से कि दोनों के दोनों, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों को ही माइल्ड सिम्टम्स, हल्के लक्षण हैं, जिसकी वजह से वो फिलहाल उन्हें आइसोलेशन जो वार्ड है वहाँ पे रखा गया है अस्पताल, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स को ही एडमिट किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ के ये जो प्राइवेट निजी अस्पताल है यहाँ पर उन्हें दोनों लोगों को एडमिट किया गया है फिलहाल, क्योंकि ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, यानी कि हल्के लक्षण होने की, जैसे हल्का बुखार है, हल्की सर्दी खांसी जैसा है, ब्रेथलेसनेस नहीं है और ऑक्सीजन लेवल भी ठीक ठाक है, तो फिलहाल इन लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसी तरह से अगले कुछ दिनों तक, जब तक पता, जो दूसरा रिपोर्ट है आज एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी देर में आएगा, और उसके बाद ही वो आगे का पता चलेगा कि किस तरह से, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इन्हें अस्पताल में ही कुछ दिन और रहना पड़ेगा। अगर आज वो पॉजिटिव नहीं आता है, मान लीजिए नेगेटिव आता है, तो आगे की जो डिसीजन है वो अस्पताल का जो डॉक्टर्स हैं और बच्चन का परिवार जो है वो पूरा दो सब मिल के लेंगे कि आखिर करना क्या है। लेकिन एक बात तय है कि क्योंकि बीएमसी के जो लोकल अथॉरिटीज हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का घर और अभिषेक बच्चन दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो इसकी वजह से उनके घर को सैनिटाइज, उनके दफ्तर को सैनिटाइज और जहां जाकर वो गए हैं कहीं तो वहां पर सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया अब म्युनिसिपल अथॉरिटीज को करनी होगी, जो आज होगी। विद्या, दोनों ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी और ये भी कहा कि पिछले 10 दिनों में जो लोग भी उनके संपर्क में आए वो जाकर अपना टेस्ट करवा ले। ये भी कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, जाहिर सी बात है कि पैनिक की जरूरत है नहीं, हर कोई यही कहता है, लेकिन ये बताएं कि अगर पिछले 10 दिनों के मूवमेंट की बात करें, क्योंकि अभिषेक बच्चन की एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई थी, तो उस दौरान क्या कुछ माना जा रहा है, किस किस के संपर्क में थे, कहां कहां जा रहे थे, कुछ और जानकारी इस बारे में अगर आप दे पाए। जी देखिए, जानकारी तो फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि शायद अभिषेक बच्चन शायद बाहर गए थे अपने काम के संदर्भ में और वहाँ पे हो सकता है कि वो संक्रमित हुए हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है, क्योंकि जो ये पूरा वार्ड है जहाँ पर कि बच्चन परिवार रहता है, ये के वेस्ट वार्ड है, ये अपने आप में क्योंकि बहुत हाई एरिया है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं, ये जो सबर्ब है मुंबई के, काफ़ी सारे सबर्ब्स में कोरोना वायरस का फैलाव ज़्यादा है, उनमें से के वेस्ट वार्ड, जो जिस वार्ड में अभी इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और यही वजह है, चौथे नंबर पे आता है ये पूरे मुंबई में अगर आंकड़ा अगर हम देखें तो यही वजह है कि यहाँ पर फिलहाल काफ़ी अच्छी निगरानी रख रही है बीएमसी। कई जगह तो कंटेनमेंट जोन काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने देखा था कि कई सारे जो इलाके हैं, जैसे कि खासतौर से जैसे बांद्रा का आगे रेखा का भी घर है, वहाँ पर कुछ लोग पॉजिटिव वहाँ ऐसा बताया जा रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पर उनको घर बंगला जो है उनके वहाँ बोर्ड लगा दिया गया है। तो बीएमसी अपनी तरफ से जैसे जैसे सैनिटाइज करती है वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाते हैं, तो तरह तरह की प्रक्रिया है जो बीएमसी अथॉरिटीज कर रही हैं और आज भी किया जाएगा बच्चन के घर के बाहर। लेकिन फिलहाल स्थिति अस्पताल में यही है
कि स्टेबल है अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों दोनों की जो माइल्ड सिम्टम्स होने की वजह से फिलहाल उन्हें निगरानी में रखा गया है। बिल्कुल, ऑक्सीजन लेवल की बात की जाए तो जिस वक्त घर पर उनका टेस्ट हुआ था 90% और फिर अस्पताल में जाकर 95% दर्ज किया गया था। विद्या, एसिम्टोमेटिक दोनों है, दोनों ने कहा है कि पैनिक ना करें। अब दूसरे टेस्ट की उम्मीद कब है और क्या हम किसी हेल्थ बुलेटिन की भी उम्मीद कर सकते हैं कि नानावती अस्पताल की तरफ से जारी हो सकता है? तनुश्री, जो एसिम्टोमेटिक, बिल्कुल नहीं, एसिम्टोमेटिक वो होते हैं जिन्हें कोई लक्षण नहीं होता, उन्हें जिन्हें कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इन्हें लक्षण हैं, तो ये सिम्टोमेटिक हैं, इसी वजह से इन्हें अस्पताल लाया गया है। अस्पताल में यहाँ पे इन्हें भर्ती करने के यही दो मकसद होता है, क्योंकि अब अमिताभ बच्चन की उम्र खास तौर से बहुत ज्यादा है, 78 तकरीबन 80 के होने जा रहे हैं। तनुश्री पांडे भी हमारे साथ इस वक्त हैं। तनुश्री, क्या अपडेट आपके पास है अभी फिलहाल? खैर नवजोत, हम लोग इस वक्त पे जलसा के बाहर मौजूद हैं जुहू में। ये मुंबई का जुहू इलाका है जहां अमिताभ बच्चन का बंगला पीछे हमारे है, और आप देख सकते हैं मीडिया की काफी यहां भीड़ इकट्ठा हो गई है। कुछ देर पहले यहां कुछ जो उनके फैंस हैं वो भी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी भी लॉकडाउन जारी है, आंकड़े बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, तो पुलिस ने उनको वहां से हटाया। और जैसे कि विद्या मेंशन कर रही थी कि अब इस पूरे बंगले का और आसपास के एरियाज का नवजोत सैनिटाइजेशन प्रोसेस आज बीएमसी जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके वर्कर्स जो है आज पूरा एरिया इसको सैनिटाइज करेंगे, क्योंकि ये चौथे नंबर पे, जैसे विद्या बता रही थी कि ये एक ऐसा एरिया है मुंबई में जो चौथे नंबर पे है अगर हम कोविड केसेस की बात करें। इसके अलावा पिया जो हमारी कोलीग है उन्होंने भी पहले रिपोर्ट किया कि अमिताभ बच्चन कुछ डबिंग सेशंस के लिए भी बाहर स्टेप आउट किए थे, तो कहां से संक्रमण हुआ है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर बताया ऐसा ही जा रहा है कि हो सकता है कोई एक फैमिली मेंबर या अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन बाहर निकले हों किसी काम से और वहीं से संक्रमण हुआ हो। बाकी इस वक्त हम आपको ये बता सकते हैं नवजोत की पूरे एरिया को इस समय पे सील रखा गया, आप देख सकते हैं घर के अंदर भी हार्डली आपको कुछ देख पाएगा क्योंकि पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों हमारे साथ बने रहिए, बड़ी खबर है, इंतजार है कि नानावती अस्पताल की तरफ से भी कोई हेल्थ बुलेटिन हो, और दूसरा ये कि दोनों की जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ पाया जाता है, क्योंकि उसके बाद ही फिर अगला डिसीजन लिया जाएगा। इस पर रहेगी हमारी नजर, दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के लिए रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।